चलो तो हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। दिस इज द थर्ड क्लास। और कहाँ से डिस्कस करना था? डू योर सेल्फ करना होगा शायद पहले। कौन सा? एट। चलो पूछो डाउट्स। डू योर सेल्फ एट से क्या डाउट है? फर्स्ट वाला। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट सिक्स ट्रायल्स देयर विल बी मोर देन थ्री सक्सेसेस। हो गया किसी का? नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएगा। अगर कह रहा है कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो फेलियर से ट्वाइस है, तो क्या हम सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अगर फेलियर की प्रोबेबिलिटी एक्स है तो सक्सेस की क्या हो जाएगी? और दोनों का सम वन, तो मिल गई ना दोनों। फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई और सक्सेस की 2/3। कह रहा है सिक्स ट्रायल्स किए गए और सिक्स ट्रायल्स में मोर देन थ्री सक्सेस हो, मतलब या तो 4 या 5 या 6। याद है फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MCX तो अब सब नंबर बोलो ना। एन सिक्स है ना यहाँ पर। 4 सक्सेस क्या हो जाएगा? 6C। 4 सक्सेस की पावर 4 और फेलियर की पावर 2। 6 ट्रायल है ना, प्लस 5 बार सक्सेस हो, 2/3 to the power 5 और 1/3, और 6 बार सक्सेस हो, 6C6, 2/3 to the power, ठीक है। चलो 8 से और कोई डाउट? डू योर सेल्फ 9। डू योर सेल्फ 9 से कोई डाउट? 9 हो गया तुम लोगों से? फर्स्ट में डाउट है या हो गया? डाउट है तुमसे, हो गया। वेरी नाइस। कह रहा अ पैक ऑफ कार्ड्स वॉज फाउंड टू कंटेन ओनली 51 कार्ड्स। कितने कार्ड होते हैं वैसे? 52, मतलब एक कार्ड मिसिंग है। इफ फर्स्ट 13 कार्ड्स विच आर एग्जामिन्ड आर ऑल रेड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। हाँ तो अनुष्का, कैसे किया? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया वैसे? कह रहा है 13 कार्ड निकाले गए, सारे रेड आए हैं। अब बताओ क्या चांस है कि जो मिसिंग कार्ड है वो रेड हो? क्या? थर्टीन निकाले तो सारे रेड आए हैं। हाँ ओके, तो क्या क्या बोल रहे? बेस टर्म नहीं उसकी है? ऐसे थोड़े ना, तो बाई चांस तुम्हारा आंसर फिट बैठ गया है। क्या कर रहे हो? बता रहा हूँ। हाँ ऐसे ही, मतलब ब्लैक 26 टोटल होते हैं ब्लैक, और अगर हमने मतलब सारे इंच नहीं, तुम लोग बेस थ्योरम समझ नहीं पाए हो अभी। बेस थ्योरम में क्या होता है कि एक इवेंट हो गया, यहाँ पर वो इवेंट क्या है? क्या इवेंट हुआ है? 13 कार्ड्स का रेड आना, ये हमारा ए है। और ए के साथ क्या होते थे? ईवन ई टू होते थे। ईवन ई टू क्या है? सोचा ही नहीं है। क्वेश्चन लास्ट लाइन देखो। गिवन दैट 13 कार्ड्स आ गए रेड, क्या निकालना है? कि मिसिंग कार्ड ब्लैक हो। तो ईवन ई टू क्या है? दो इवेंट है कि मिसिंग कार्ड या तो ब्लैक होगा या मिसिंग कार्ड रेड होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आता है कि वो इवेंट कैसे कैसे हो सकता है? दो ही तरीके से हो सकता है, दो ही तो है। या तो मिसिंग कार्ड रेड हो और फिर 13 रेड आ गए हो, या मिसिंग कार्ड ब्लैक हो और फिर 13 रेड आ गए हो। और न्यूमरेटर में कौन सा केस आएगा? मिसिंग कार्ड ब्लैक वाला पूछा है कि रेड वाला? ब्लैक वाला न्यूमरेटर में जाएगा। समझ गए बात? तो मान लो कि मिसिंग कार्ड है ब्लैक, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। और अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि 13 कार्ड निकाले जाएं तो रेड आए? तो एक डेक में 51 कार्ड्स हैं,
मिसिंग हमने ब्लैक मान लिया है, दैट मींस 26 रेड है और 25 ब्लैक है. अब बताओ इससे 13 कार्ड निकाले गए, पूरे रेड आए, क्या चांस है? 26 सी 13, सारे 13 यहीं से आए, टोटल केसेस 51 सी 13, और मिसिंग कार्ड वो रेड हो. अब 13 कार्ड जो आए वो 25 रेड कार्ड में से आएंगे, तो 25 सी 13 अपॉन 51 सी, ये क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी, कैसे कैसे 13 कार्ड्स रेड आ सकते हैं. रेड मिसिंग हो तब रेड आ गए हो 13 कार्ड्स, या ब्लैक मिसिंग हो तब आ गए हो 13 कार्ड्स. क्या पूछा है कि जब रेड आ गए तो क्या प्रोबेबिलिटी कि मिसिंग वाला ब्लैक था, तो ये हमारा फेवरेबल केस है. इनमें से एक ही तो न्यूमरेटर में जाता है कोई एक केस, ये वाला पूछा गया तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. 1/2 26 से 13 अपॉन 51 से 13, 1/2 सब जगह कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, 51 से 13 भी कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे. समझ गए, जब बेस थ्योरम के बाद पूछा गया तो बेस थ्योरम लगानी चाहिए ना. तुम्हारी आईज में प्रॉब्लम है कुछ? क्यों क्यों, चलो सो जाना जब डिस्कशन हो जाए तो. अगला डाउट, सेकेंड भी डाउट है. ए मैन हैज 3 क्वाइंस ए बी सी, ए इज अ फेयर क्वाइन, बी इज अ बायस्ड सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ हेड इज 2/3, सी इज ऑल्सो बायस्ड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड इज 1/3. इफ वन क्वाइन इज सिलेक्टेड एंड टॉस्ड 3 टाइम्स giving 2 heads and 1 tail, find the probability that the chosen coin was A. Question आया समझ में? पहले तो 3 coin है, क्या तीनों के बारे में मालूम चला? ये fair coin है, head की 1/2 और tail की भी 1/2. ये fair नहीं है, biased है, इसमें head की ज्यादा है probability और tail की कम है. ये भी biased है, इसमें head की कम है और tail की ज्यादा है. अभी question है कि एक coin को, पता नहीं किसको, 3 बार टॉस किया गया है और 2 हेड और 1 टेल आए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है? यही है ना, इफ वन कॉइन इज सिलेक्टेड टॉस ना गिविंग 2 हेड्स एंड 1 टेल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि चोजन कॉइन ए था. समझ गए क्वेश्चन? हमारा इवेंट ए क्या है जो हो चुका होता है, क्या है इवेंट? ए इवेंट क्या है? टू हेड और एक टेल का आना ए है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी में. ये कैसे कैसे 2 हेड और 1 टेल आ सकते हैं और इवन ई टू वगैरह क्या क्या होंगे? किसको बोलेंगे? क्वाइंस. तो 2 हेड और एक टेल आने के क्या क्या स्कोप है, कैसे कैसे आ सकता है? क्वाइन ए सिलेक्ट किया हो तब ये आया हो, क्वाइन बी सिलेक्ट किया हो तब ये आया हो, या क्वाइन सी सिलेक्ट किया हो तब ये आया हो. तो मान लो क्वाइन ए सिलेक्ट किया है 1/3, और जब एक फेयर क्वाइन 3 बार टॉस किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी आती है 2 हेड और एक टेल की? लास्ट टेंथ में किया है, कितने केस होते हैं? 3/8, 8 केसेस होते हैं. एच 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 एस टी याद आया, 2 हेड के 3 केस होते हैं, एच एच टी एच टी एच और टी एच एच. तो 3/8 हो गई प्रोबेबिलिटी 2 हेड और 1 टेल आने की. क्वाइन बी सिलेक्ट हुआ हो, अगर क्वाइन बी सिलेक्ट हुआ है तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 2 हेड और 1 टेल आने की? 2/3, 2/3 और 1/3. तो तुमने बताया क्या कर दिया, पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल. अब बहुत वो केस तो छोड़ दिए, इसमें ऑर्डर भी तो मैटर कर रहा है. एक टेल आना है वो फर्स्ट में आ रहा है, सही बता रही हो, बस इनटू 3 और कर दो भाई. एच एच टी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3, 2/3, 1/3. ऐसे ही टी यहां कर दो, ऐसे ही टी यहां, 3 बार हो जाएगी ना सेम चीज. तो 3 टाइम्स 2/3, 2/3 और
और आखिरी में अगर तीसरा कॉइन लिया हो तो सेम चीज ही है, थ्री टाइम्स 1/3, 1/3 और क्या पूछा गया है, ये हो चुका है किससे हुआ हो, ए से, बी से, सी से, तो फेवरेबल केस तो ये ऊपर आ जाएगा 1/3 P/8, समझ गए। कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखो कि सबके न्यूमरेटर सेम बना लिया करो तब कैलकुलेशन का, इसको सॉल्व मत करने लग जाना, देखो 3/8 सब में है, 3/8 है, 3/8 है, नहीं है तो बना लो पहले, तो हम देखें 2/3 सब में मिल ही जाएगा, ये 3 कैंसिल कर दो, ये 3 कैंसिल कर दो, अभी देखो 3 3 3 3 3 3 यहाँ भी बना लो, 3 3 3 3 यहाँ भी बना लो, 3 3 दो बार किया है, 9 कर दिया, 8 है तो 8 यहाँ दे दो और 8 यहाँ दे दो, 8 8 8 यहाँ ऑलरेडी था, ठीक, क्या सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, कैंसिल पूरे डिनोमिनेटर, खत्म बात, समझ गए, बस न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर देख लो, तो उसमें आ रहा है 3 × 9 और नीचे आ रहा है 3, वो ज्यादा लिख दिया क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कैंसिल नहीं किया था ना मैंने, तो 3 3 3 27 प्लस 2 2 8 32 प्लस 2 और 8 16, तो ये हो गया 27 अपॉन कितना हो गया ये 75, कैंसिल कर देंगे 3 से कर लें 9/25, चेक कर लो एक बार आंसर, आ रहा है प्रोसेस, समझ गए, बेस थ्योरम का फंडा समझ पाए, क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग नहीं समझ पाए थे लेकिन ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले सोचा करो कि इवेंट ए क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, एक बार डिनोमिनेटर आ गया तो न्यूमरेटर तो नीचे से ही उठाना है, उसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी होती है, ठीक है। चलो उसके बाद डॉक्टर साहब 10 तो दिया नहीं होगा क्योंकि वो पढ़ाना है अभी, पार्ट वन कर लिया है, कितने डाउट्स आए हैं, ठीक है, तो आ जाओ एक्सरसाइज 1 पे, पार्ट 1 पूछो डाउट्स, फर्स्ट कह रहा है 6 मैरिड कपल्स आर स्टैंडिंग इन ए रूम, इफ 4 पीपल आर चोजन एट रैंडम देन द चांस दैट एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल इज अमंग द 4, हुआ किसी का, हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कैसे किया, ओके मतलब क्या 5 7 मुझे पता है क्या लिखा है, तुम मत एक्सप्लेन तो करो, 5 7 किस लिए लिख रहे हो तो बताओ, कर लिया 6 7 हो गया, 10 लोग बचे, कौन 5 5 5 कैसे अलग कर लिए, उनको अलग क्यों कर लिया, चलो मान लिया, ठीक है फिर ओके तो 6 7 × 5 7 5 7 −1 ओके फिर क्या, ये हस्बैंड कर लिया है, एक वाइफ कर ली, एक केस वो आ गया जिसमें सेम हस्बैंड सेम वाइफ आ गए थे, ये हस्बैंड वाले से किया है, ये वाइफ वाले से किया है, और ये जिसमें कपल बन गया, फिर अब दोबारा क्यों कर तो लिया है,
हस्बैंड को अलग कर दिया, वाइफ को अलग कर दिया, एक हस्बैंड चूज किया, एक वाइफ चूज किया, ये तो कह रही हो खुद से किया है। सोल्यूशन तो यही है, लेकिन जो तुम बोल रही हो वो नहीं है, यही अवेलेबल सोल्यूशन है। अच्छा किया, हाँ ठीक है, चलो ध्यान दो सब लोग। तो हमें एक कपल चूज करना है और एग्जैक्टली एक कपल चूज होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। तो छह कपल हैं, क्या करें हम, कोई एक कपल चूज कर लेते हैं। सिक्स सी वन, अभी कितने लोग और सिलेक्ट करने हैं, दो लोग करने हैं। तो पहला करने में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी कर लो, एक कपल तो हो गया, मान लो ये कपल हो गया है, ठीक। अभी एक कोई भी कर ले, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो कपल बनेगा नहीं, बाद में बनेगा। तो अभी कितने ऑप्शन हैं, कितने ऑप्शन है, टेन, टेन में से एक सिलेक्ट कर ले, टेन सी वन। अब जो सिलेक्ट हुआ है बस उसका पार्टनर नहीं कर सकते हो, बाकी तो कुछ भी कर सकते हो। कितने ऑप्शन, एट सी वन। क्या ये फेवरेबल केस हो गया, थोड़ी सी गलती है इसमें, एक कमी है, एक स्टेप छूट गया है, क्या हुआ है इसमें, चार करने, चार हो गए, ये कपल था, ये सिंगल है, ये सिंगल है, लोग चार हो चुके हैं, लेकिन हमने ये जो फंडा लगाया है किसका है, सिलेक्शन का नहीं है, ये तो बॉक्स अप्रोच लगाई है ना, इसमें ऑर्डर मैटर करता है नहीं करता है, बॉक्स अप्रोच में करता है, तो हमने तो बॉक्स अप्रोच वाली लगा दी, इसमें ऑर्डर मैटर कर लिया क्यों। मान लो ए चूज हुआ था और बी चूज हुआ था, एक केस हो गया, कभी यहाँ बी चूज हुआ और यहाँ ए चूज हुआ, अलग काउंट हुआ ये, तो बेसिकली यहाँ ऑर्डर मैटर कर गया है, जो कि हर केस को क्या कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है। तो सही काउंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, बाय टू, समझ गए। टेन सी वन और एट सी वन में गलती क्या हो गई है, गलती नहीं मतलब, तो एक्स्ट्रा क्या हो गया है कि हर एक केस दो बार काउंट हो गया है, ए बी, ए बी, बी ए, अलग अलग काउंट हुआ जबकि नहीं होना चाहिए, इसीलिए बाय टू। तो दीज आर आवर फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस कितने हैं, वेरी गुड, 12 लोग हैं, चार सिलेक्ट करने हैं, 12 सी 4, समझ में आई बात। कौन सी जगह, अच्छा अच्छा 10 में, हाँ दो जगह बचे हैं, सारे ही शादीशुदा है वैसे मुझे लग रहा है, एक कपल चूज हो गया मतलब 5 कपल बचे, हाँ 10 से 2 करोगे तुमने कोई भी दो चूज कर लिए हैं, ऐसे 5 केसेस हैं वैसे तो, हर कपल का एक केस काउंट हो गया जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुमने 5 से माइनस करके 10 से 2, हाँ ठीक है सही बोल रहे हो, कपल फाइव जाएंगे नहीं, बट उसमें रिपीटेशन हो गया बहुत सारा, जब तुमने पहला कपल चूज किया है और बाद में कपल चूज किया, जैसे कपल ए कपल बी, एक केस बन गया, कपल बी कपल ए, रिपीटेशन, फिर उसका बाय टू या बाय थ्री जो भी बन रहा होगा वो करना पड़ेगा हमें, बट ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया, चलो आ रहा जो कह रही थी वही बता दिया जाए। 10 लोग बचे, एक कपल तो चूज कर लिया, 10 लोग बचे, 5 मेल और 5 फीमेल। अब देखो अगर हम 5 मेल में से 2 सिलेक्ट कर लें तो कोई टेंशन ही नहीं है, कपल बन ही नहीं सकता। तो 6C1 के बाद 5C2 और 5 फीमेल में 2 सिलेक्ट कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, कपल नहीं बन सकता, 5C2। या फिर एक मेल और एक फीमेल करें और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दें वो केसेस जिसमें कपल बन जाएगा, कितने केसेस होंगे, वो 5 ही तो कपल है, ठीक है, ठीक है, हाँ ये नहीं किया है, यही करना था, इनटू टू तुमने खुद से किया है ना, इनटू टू तुमने खुद से किया है ना, तो फिर कैसे आंसर आ गया, क्योंकि केसेस काउंट नहीं किए होंगे ना सारे, कुछ मिस हो गया होगा, एनीवे छोड़ो, ये मुझे बेटर लग रहा है, कैसे सबको समझ आ गया था पहला वाला। अगला डाउट थर्ड, ये तो करना चाहिए था यार, बस ये नहीं पता था कि
अरे भाई हुआ किसी से? नहीं हुआ, करके नहीं आए हो क्या? फाइव डिजिट नंबर बनाना है, छह डिजिट अवेलेबल है, पांच को यूज करना है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और ऐसा नंबर बनाना है जो 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल हो मतलब 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। तो बताओ 2 वाला तो चलो हम आराम से देख लेंगे, 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? सम डिविजिबल हो, इनका सम करके देखो, 5, 4, 9, 12, 14, 15। तो अगर 1, 2, 5 लोगे तो 3 से डिवाइड होगा, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर 0 छोड़ दोगे तो चल जाएगा 15, उसके अलावा क्या छोड़ सकते हो? 3। तो दो ही ऑप्शन है, या तो तुम यूज करो 1, 2, 3, 4, 5, या फिर 0, 1, 2, 4 और 5। समझ गए? जब ये डिजिट यूज करोगे तभी 3 से डिविजिबल नंबर बनेगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं कि इनमें से कितने नंबर बन सकते हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे। 3 से तो होंगे ही सारे नंबर जो भी इससे बनाओगे, तो मैं सिर्फ 2 पे ध्यान देना है। बताओ तो कितने नंबर 2 से डिविजिबल होंगे? कितनी बार किया है ये? कितने ऑप्शंस? 2 ऑप्शंस। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, 4 कोई भी एक यूज कर लो, इसके अलावा 2, 2 दोनों थोड़ी यूज हो गए। 3, 2, 1 कितना हो गया? 48 नंबर्स। ठीक, इनको यूज करके कितने नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे? पीएनसी कुछ रिवाइज नहीं किया है क्या? तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे वो निकाला वैसे निकाल दें, कुछ फर्क पड़ेगा? तो क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या करें? हाँ तो बताओ ना कैसे बनाए, क्या करना चाहिए? फर्स्ट में 0 कर दोगे फिक्स? अच्छा अब टोटल कैसे निकालोगे? यहाँ 3 लिख के, हाँ केसेस बनाते हैं। और तुम लोग बिल्कुल यार अप टू द मार्क काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें को याद नहीं पिछली चीजें। जब 0 होता है तो हम केसेस बनाते हैं कि वो नंबर तो 0 से एंड हो रहा है, होंगे हमारे काम के नंबर। अब इसके काउंट कर लो, जो 0, 0 तो यहाँ फिक्स हो गया, एक ही नंबर। अब यहाँ कितने ऑप्शन? 4, 3, 2, 1 कितने नंबर हो गए? 24। वो नंबर जो 2 या 4 से एंड हो रहे हैं, 2 केसेस। यहां पर कितने ऑप्शंस? 3, 0 नहीं आ सकता, 3 ऑप्शंस यहाँ, 3। अब 0 भी आ सकता है, 2, 1, तो ये कितना हो गया? 36। तो इन नंबर को यूज करके कितने नंबर बनेंगे? 60, विच आर डिविजिबल बाई 6। तो टोटल फेवरेबल केस कितने होंगे? 108। और टोटल केसेस कितने हैं? इनको यूज करके मैं बनाना है 5 डिजिट नंबर, 600। कैसे किया? हाँ, 5, 5, 4, 3, 2, बस 600। ठीक है, परमुटेशन में रिवाइज हो गया, 18% आ रहा होगा, आई गेस आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना चाहिए था, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है, अच्छा को बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन कोई टेढ़ी मेढ़ी ट्रिक नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर परमुटेशन याद होता तो हो जाता। थर्ड के बाद फोर्थ कह रहा कि एक क्यूब है जिसके सारे फेसेस कलर्ड हैं और इसको 64 क्यूबिकल ब्लॉक्स में काट दिया गया है। 64 ब्लॉक्स में कैसे कटता है पता है क्यों? क्यूब को अगर 64 ब्लॉक्स में काटना है तो कैसे कटेगा? क्या? हर फेस पे 16। अरे मूव कैसे करता है?
तो कभी मैंने बनाया ही नहीं, रिसाइज कर सकते हैं। ये क्यों लग भी नहीं लग रहा तुम लोगों को? तो ये बहुत ऐसा टेढ़ा लग रहा है। क्यूबॉइड बना दिया है क्या? अच्छा अच्छा वो कमी थी क्या? अब लग रहा है रोटेट करने पे क्या होता है? अरे वाह है तो अच्छी चीज है, सीधा नहीं हो रहा क्या है? इससे क्या होगा? अरे यार बहुत मुझे नहीं करना, फिर अब क्या करूं मैं? अच्छा क्या क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है। अरे ये वाला नहीं करना है यार, पीछे वाला करना है मुझे। अरे हुआ चलो, वैसे तो कोई यूज नहीं था लेकिन मैंने कर दिया है, ऐसे ही सीधा तो हो जाए हर एक बार। सही कह रहा है। अरे हाथ से बना लेते हैं। एक क्यूब के 64 पीसेस कैसे बनेंगे? क्या फिर सोचो, एक क्यूब हाथ में लेके 64 बताए क्यों दिया गया है? क्योंकि वो 4 क्यूब है, मतलब चार बार ऐसे काटो, चार बार ऐसे काटो और चार बार ऐसे काटो, थोड़े छोटे पीस निकाल आए, कितने? 64। अब देखो कि किस कहां के क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होगी। देखो ऐसे क्यूब बने होंगे ये 1, 2, 3 और 4, और ऐसे यहां बना हुआ है 1, 2, 3, 4, ये एक क्यूब है निकला है बाहर। अब बताओ जो ये कॉर्नर का क्यूब है इसकी कितनी सरफेस बाहर थी? 1, 2 और 3, तो इसके में कितने सरफेस पे कलर होगा? 3 पे। कॉर्नर छोड़ दो, इस वाले में 2 सरफेस पे, जो अंदर के ये चारों हैं, एक टॉप वाले पे, अंदर का मतलब बीच वाले, सिर्फ टॉप पर होगा। अभी पहली लेयर छोड़ दो, सेकंड लेयर में बीच वाले, सेकंड लेयर में बीच वाले एक में भी नहीं होगा, जो अंदर घुसे हुए हैं, जो बाहर नहीं है, टॉप चारों फेसेस छोड़ दो जो बाहर नहीं है, तो एक भी फेसेस पे नहीं होगा। इस तरह हम क्यूब्स का डिवीजन कर सकते हैं कि किस फेस पे कितने क्यूब्स के फेस पे, कितने क्यूब में कितने फेसेस में कलर होगा। ठीक, अभी हमसे पूछा गया है कि आ गया 2 कलर्ड क्यूब, तो बेसिकली हमें काउंट करने हैं कि कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिसमें 2 फेसेस पे कलर होगा, 1, 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, कितने हो गए? 8। ऐसे ही 8 नीचे होंगे, 2, 2, 2, 2, 2 और 2, कितने हो गए? 16। और भी होंगे इधर इधर, 2 इधर भी होंगे, 2 इधर भी होंगे, 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे, कितने होंगे? 24 आउट ऑफ 64। समझ गए? अगर 3 कलर्ड पूछता तो 4 और 4, 8, सिंगल पूछता तो ये बीच वाले आ जाते और 0 में अंदर वाले आ जाते। चाहो तो बाद में काउंट भी कर लेना, पूरा 64 का निकाल लेना डिवीजन, ताकि फ्यूचर के लिए याद रहे कि कितने 3 फेस पे होते हैं, कितने 2 फेस पे, कितने 1 फेस पे, कितने 0 फेस पे। ठीक है, पहले से इमेजिनेशन रखोगे तो एग्जाम में इसमें बहुत टाइम बच जाएगा। क्या क्या 23/168 कौन सा आंसर देख रही हो? अच्छा 2 चूज कर,
हाँ टोटल केस नहीं किया ना, 64C2 हो गया ना, मैंने एक का निकाला, 24C2 और 64C2 निकालोगे आ जाएगा। चलो 4 के बाद सीधा 10, 4 के बाद 8, 8 कह रहा मिस्टर ए फॉरगॉट टू राइट डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट फोन नंबर, ऑल ही रिमेंबर्स इज दैट इट इज स्टार्टेड विद 713 एंड द नेक्स्ट फोर सेट ऑफ फोर डिजिट्स इन्वॉल्व 179 विद वन ऑफ दीज नंबर्स अपीयरिंग ट्वाइस। बेसिकली पहले तीन जो उसको याद है उसका कोई यूज नहीं है, चार डिजिट्स हैं उसको गेस करना है, 179 ही आएंगे और कोई डिजिट दो बार आ रही है। तो कह रहा है गेस द फोन नंबर्स डायस, क्या ऑड्स इन फेवर है कि करेक्ट फोन नंबर आ जाएगा। ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट हम निकाल लेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो सही फोन नंबर डायल कर देगा। फेवरेबल केस एक ही है, एक सही फोन नंबर होगा। टोटल केस कितने बन सकते हैं जब इन तीन डिजिट्स को तुम्हें फिल करना हो, एक को रिपीट करके इन चार प्लेसेस पे, 4C3 मतलब तुमने तीन बॉक्स सिलेक्ट किए, 4C3 में चार में तीन क्या सिलेक्ट कर रहे, बॉक्स सिलेक्ट किए कि नंबर सिलेक्ट किए, नंबर तो तीन ही है। तीन बॉक्स नंबर डाल दिया ठीक है, ओके ठीक है। तो उल्टा सीधा सोच रहे हो, सही नहीं सोच रहे हो, हाँ बोल रहे थे कुछ बताओ। बहुत बहुत लंबा और टेढ़ा मेढ़ा जा रहा हूँ, बहुत इसमें रेपिटेशन हो जाता है, थोड़ा और सिंपल बेसिक सोचो। हाँ तीन फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो, तो थ्री ऑप्शंस हुए ना फैक्टोरियल क्यों कर रहा, ओके क्यों ठीक है, पर ये नहीं पता है कौन सा रिपीट हो रहा है। एक बात समझो मैं बता दूं, अभी मान लो ये होता कि चार बॉक्स हैं चार नंबर फिट करने हैं, अब कर दोगे कितना हो जाएगा, इन्हीं चार को अरेंज करना है कितना हो जाएगा, 4 factorial by 2 factorial। बस हमें यही तो नहीं पता क्या रिपीट हो रहा है, तो हम तीनों केस लेंगे, मान लो अगर 9 रिपीट हो रहा है तो कितने केस, 4 factorial upon 2 factorial, और ऐसे अगर 7 रिपीट होता है ऐसे ही 1 रिपीट होता, तो 3C1 डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रिपीट हो रहा है और फिर अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4 factorial by 2 factorial, छोटा सा काम है, उसमें ज्यादा ही हर स्टेप पे नहीं करते हैं कि पहले तीन ने एक सिलेक्ट कर लिया फिर वहां सिलेक्ट कर लिया यहाँ सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया, इस सिलेक्शन के प्रोसेस में बहुत रेपिटेशन हो जाएगा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में देखा था, वो छोटा सा क्वेश्चन था, वहां देखना आसान है कि रेपिटेशन कहाँ हो रहा है। तो मैं हर स्टेप पे अगर सिलेक्ट करने लग जाऊं कि एक बॉक्स सिलेक्ट कर लिया फिर एक नंबर सिलेक्ट कर लिया, इतना रेपिटेशन होगा कि उसको बैलेंस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 24, 72, 36 केसेस हो गए टोटल, तो 1/36 हो गया। अभी ये प्रोबेबिलिटी निकली है, 1/36 जब प्रोबेबिलिटी होती है उसमें ऑड्स इन फेवर जो हमारे टोटल में, जैसे 36 इसको यूनिट्स मान लो, तो जो हमारे फेवर में यूनिट्स हैं वो ऑड्स इन फेवर, जो हमारे अगेंस्ट यूनिट्स हैं वो ऑड्स इन अगेंस्ट, तो इसमें कितनी यूनिट्स फेवर में है, 1, और कितनी अगेंस्ट में है, 35, तो ऑड्स इन फेवर हो गए 1:35, समझ गए। बहुत सारे लोग यहाँ गलती 1:36 लिख देते हैं, बट वो प्रोबेबिलिटी ऑड्स इन फेवर नहीं, ऑड्स हमेशा काउंटिंग हो रही, दोनों के मिला के टोटल बनता है, ऑड्स इन फेवर प्लस ऑड्स इन अगेंस्ट इज टोटल। एट्थ के बाद 10th हुआ किसी का, रिश्ता तुम आज काम करके नहीं आई हो, अरे तो ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे,
लग तो नहीं रहा, कोई भी डाउट वाला तुमने नहीं बताया, टेंथ नहीं है डाउट, वही तो कह रहे हैं कोई भी डाउट वाला नहीं बताया तुमने। और ये भी हमने किया हुआ प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, सब सबको याद होना चाहिए, सबको होना चाहिए, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मिस्टर रे लिव्स एट ओरिजिन, उनका ऑफिस है 4.5 में, दोस्त का घर है 2.3 पे, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा वो जाते हैं, एक एक स्टेप चल सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, एक स्टेप वर्टिकल में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अपने दोस्त के घर होते हुए जाएंगे, यही पूछा गया है। तो टोटल केस क्या होंगे, ओरिजिन से 4.5 तक पहुंचने के टोटल वेज, कितने टोटल वेज होंगे, कर चुके हैं लेकिन रिवाइज तो किया नहीं है, कुछ याद आ रहा है किसी को, कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लेने हैं, 4, कितने वर्टिकल स्टेप लिखने लेने हैं, तो मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, 4H, कभी भी हॉरिजॉन्टल ले लें, कभी भी वर्टिकल ले लें चलेगा, 4 बार बस ले लें, और ऐसे ही 5 बार वर्टिकल ले लें। क्या हमें 4H और 5V को अरेंज करना है, इतने तरीके हो गए, कितने तरीके हो गए, 9 factorial upon 4 factorial 5 factorial। अब अगर 2, 3 से होके जाना है तो क्या होगा कि पहले यहां जाए जरूरी, यहां से यहां जाने के कितने रास्ते, 2 horizontal 3 vertical 5 factorial upon 2 factorial 3 factorial plus, यहां से यहां जाने कितने रास्ते, 4 factorial 2 factorial 2 factorial, 2 horizontal 2 vertical अरेंज करने हैं। अब ये तो बहुत बहुत स्टैंडर्ड केसेस है, बार बार बैठ के याद थोड़ी जलाया है कोई, पता नहीं क्या कर रहे हो। जब चैप्टर शुरू हुआ था मैंने मैसेज डाला था ना, क्या क्या पढ़ के आना है, सेट थ्योरी पढ़ने, प्रोपगेशन पढ़ना है, फरवरी चल रही, दिसंबर में एग्जाम है, पता नहीं चलेगा कब आ गया एग्जाम, ये स्कूल एग्जाम और इन सब के चक्करों में होली दिवाली में लग जाओगे तो हालत देख ही ली होगी तुमने बाकी लोगों की। कोई आसपास वाले ने दिया था एग्जाम, कोई जानने वाला किसी का, क्या यार इधर किसी के जानने वाले ने जे दिया था, अभी सोसाइटी में रिलेटिव हो, नहीं बताया ना, ऑब्वियसली कोई भी देखोगे बहुत कंपटीशन बहुत टफ है, 8 लाख लोग हैं, कॉलेज है अच्छे 10-20 हजार लोगों के लिए सिर्फ, तो टॉप 1% में नहीं आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम 90 ला रहे हो तो फिर 60 ले आओ, कोई फर्क नहीं है ना, 90 पे कुछ मिलेगा ना 60 पे कुछ मिलेगा, 90 ला रहे हो तो 0 ही ले आओ तो भी कोई फर्क नहीं है। तो अगर पढ़ रहे हो और 99 ना आए तो सब पढ़ाई बेकार है, फिर ना ही पढ़ो, एंजॉय कर लो। और 99 ऐसे नहीं आते जैसे तुम लोग अभी रिएक्ट कर रहे हो, कुछ होश नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ याद नहीं है। टेंथ के बाद है कोई डाउट, छोटे से एक दो टॉपिक रह गए थे वो देख लेते हैं, आ जाओ। 13th टॉपिक था प्रोबेबिलिटी थ्रू स्टैटिस्टिकल ट्री डायग्राम। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं, जनरली इसी में होता है, रेड ब्लू ये सब बैग है, कई बार हो जाते हैं, तो हम एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो ये कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसीलिए एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है। इलस्ट्रेशन पढ़ो, अ बैग इनिशियली कंटेन्स 1 red ball 2 blue balls, एक बैग है उसमें है 1 red और 2 blue 1 red 2 blue, ठीक है। अब कह रहा है कि अ ट्रायल कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉल एट रैंडम, नोटिंग इट्स कलर एंड रिप्लेसिंग इट टूगेदर विद एन एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर, समझ गए, एक बॉल निकाल ली, जिस कलर की बॉल निकली, अब हमने क्या किया, जो निकली वो तो वापस करी, उसी कलर की एक बॉल और ऐड करके बैग में रख दी, ठीक है। तो यहां से 2 सिनेरियो बन सकते हैं सेकंड स्टेप में, कि तुमने बॉल निकाली हो रेड निकली हो या बॉल निकाली हो ब्लू निकली हो। तो अगर बॉल निकालने वाली रेड निकली है तब बैग में क्या होगा, और अगर ब्लू निकली है तो अगली बार बैग में क्या होगा। तो मान लो रेड निकली थी, बताओ अब बैग में क्या आ गया होगा, एक रेड बढ़ गई होगी, ब्लू वैसे की वैसी रही, और अगर ब्लू निकली तो ब्लू हो गई 3 और रेड 1 की
वन रहे, ये सिनेरियो हुआ। फिर क्या आएगा ट्रायल एक बार और, गिवन दैट थ्री ट्रायल्स आर मेड, पहला, अरे बाप रे, फिर से एक बार ट्रायल किया गया, फिर दो दो केस बनेंगे, दो केस ऊपर वाले के और दो केस नीचे वाले के, उसमें भी रेड निकली, रेड निकली, ब्लू निकली और ब्लू निकली। अब बैग में क्या होगा, 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 तो अगर रेड निकली तो अब थ्री रेड हो गई होंगी, और यहां रेड निकली तो टू रेड हो गई होंगी, और अगर ब्लू निकली तो यहां पर टू ब्लू थी, तो यहां भी रेड लिखना था, यहां थ्री ब्लू हो जाएंगी, यहां पर फोर ब्लू हो जाएंगी, और यहां पर थ्री ब्लू रहेंगी। रेड की बात कर लें अगर, तो यहां टू रेड रहेंगी और यहां वन रेड रहेगी। और फिर निकाला गया, उसके लिए पूछा गया, अब फिर निकाला तो फिर से अब सिनेरियो बन जाएंगे कि रेड निकली, यहां से निकली रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू और रेड ब्लू, ये तीन ट्रायल हो गए, पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल और ये तीसरा ट्रायल। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ब्लू बॉल इज ड्रॉन, तीन बार में एटलीस्ट वन ब्लू बॉल इज ड्रॉन, क्या बहुत सारे केस बन जाएंगे, एक ब्लू बॉल, कौन सा केस बना, रेड रेड ब्लू, एक ब्लू बॉल का बता रहा हूं मैं, रेड ब्लू रेड, बहुत सारे केस बनेंगे। इससे अच्छा क्या है, एटलीस्ट वन ब्लू बॉल का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नो ब्लू बॉल, वन माइनस नो ब्लू बॉल, नो ब्लू बॉल का केस क्या है, रेड 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 निकल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ब्लू, नहीं एटलीस्ट वन ब्लू है ना, वन ब्लू एटलीस्ट क्या हो जाएगा, वन माइनस नो ब्लू, नो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड, यहां रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, वन बाय थ्री, फिर रेड टू बाय फोर, और फिर रेड थ्री बाय फाइव, तो क्या बना, वन बाई थ्री, टू बाई फोर, थ्री बाई फाइव, समझ गए। अगला केस, एग्जैक्टली वन ब्लू बॉल इज ड्रॉन, एग्जैक्टली वन ब्लू बॉल, क्या केस बनेगा, कहीं बन जाएगा यार, यहां तो मुझे लग रहा है एग्जैक्टली वन ब्लू बॉल, रेड रेड ब्लू, रेड ब्लू रेड, ब्लू रेड रेड, बस तीन केस है, प्रोबेबिलिटी सबकी पता है, काउंट कर लेंगे। तीसरा पार्ट पूछ रहा है, गिवन दैट ऑल थ्री बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे आर रेड, किस टॉपिक से क्वेश्चन है, किस टॉपिक से, गिवन दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट कि सेम कलर की हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस चेंज हो गया, सेम कलर के लिए सैंपल स्पेस क्या हो गया, या तो तीनों रेड होंगी या तीनों ब्लू होंगी, बेस थ्योरम क्या होता है, गिवन दैट समथिंग बताओ इससे हुआ हो, ये नहीं पूछा है, तो तीनों रेड के ले लो प्लस तीनों ब्लू, ये हो गए टोटल केसेस, ये हमारा सैंपल स्पेस, और पूछा है कि क्या होंगे वो तीनों रेड, तो रेड 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 वाला ऊपर हो गया, समझ गए। चलो तो ये हो गया ट्री डायग्राम। लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, बोर्ड में है, मार्क किया था ना ये बोर्ड में है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में यही चार टॉपिक है, कंडीशनल, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, बर्नौली बाइनोमियल और ये रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, वहां जो लिखा बाद में देखते हैं, पहले नॉर्मली पढ़ते हैं। तो रैंडम वेरिएबल होता है जो हमारा प्रोबेबिलिटी का कोई कुछ डिफाइन है, कोई इवेंट, इसको बेसिकली हम एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं। अभी तुमने फंक्शन पढ़ा नहीं है बट इतना तो याद होगा कि फंक्शन में इनपुट होता है, आउटपुट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कोई प्रोबेबिलिटी का इवेंट है। और रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल एक
वैल्यू लेता है, मतलब ये जो एक्स है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा क्लियर होगा, रैंडम वेरिएबल क्या करता है, एक वैल्यू लेता है किसके लिए, हर एक सैंपल पॉइंट के लिए। कोई भी सैंपल पॉइंट है जो हमारा, जो हमारे आउटकम्स आते हैं उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन की गई होगी, उसी को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से एक फंक्शन है जिसके इनपुट है सैंपल पॉइंट, आउटपुट है नंबर्स। एग्जांपल, हमने कहा हमने एक इवेंट डिफाइन किया है दो कॉइन को टॉस करने का, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल। दो कॉइन को टॉस किए हैं तो सैंपल पॉइंट क्या क्या हो गए, एच 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 टी टी एच, क्या बताया कि हर एक सैंपल पॉइंट के लिए रैंडम वेरिएबल की कोई वैल्यू होगी। तो देखो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर ये आ गया तो हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कैसे किया है, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल, तो इसके लिए क्या वैल्यू हो गई, टू। तो रैंडम वेरिएबल ले सकता है वैल्यू टू, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, रैंडम वेरिएबल है जो डिफाइन किया गया है। नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल जीरो ले सकता है रैंडम वेरिएबल वैल्यू, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स जीरो लिखा ऑलरेडी, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो इस जो हमने अभी बात की उस बेसिस पे हमारा रैंडम वेरिएबल ये तीन वैल्यूज ले सकता है, या तो उसकी वैल्यू टू होगी या जीरो होगी या माइनस टू। इन्हीं इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि टू होगी इसकी वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है क्या, 1/4। जीरो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, और माइनस टू होगी, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये सारे सैंपल पॉइंट के लिए डिफाइन है, इसीलिए इनका सम हमेशा ही 1 होगा। यही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, एक टेबल बनी होती है ऐसे लिखा होता है 1/2 1/8 1/4 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सबको ऐड कर देना है 1 कर देना है। ठीक है, चलो फिर आता है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, या उसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ई एक्स, इसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मीन निकालना है, तो वो होता है बहुत सिंपल एक्स इंटू पी एक्स, उसका सम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऐड कर दो, तो इसका मीन क्या हो जाएगा 2/4 0 माइनस 2/4, तो नेट हो गया 0। ठीक है, सिंपल है। और ऐसे ही वेरिएंस डिफाइन किया गया है, सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं, मैं छोटा वाला बता दे रहा हूं, वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। तो एक और रो बना लेंगे एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करके ऐड कर देंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ गए, ठीक है, अभी उससे देख लेंगे क्या है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये रियल लाइफ में ही बहुत यूजफुल है, बहुत बार हम लाइफ में फंस जाते हैं कोई डिसीजन लेने में, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये हमारे लिए फेवरेबल, अच्छा डिसीजन है, और अगर फेवरेबल सॉरी अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे फेवर में नहीं है। और ऑफकोर्स इसके लिए हमें एक हर एक लाइफ के रिजल्ट को जो कि क्वालिटेटिव होगी, कितनी खुशी मिल रही है उसको एक नंबर देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा, तुम्हें एक डिसीजन लेना है कि यहाँ क्लास आए या तुम्हारा कोई कजिन आया आज घूमने चले जाए। अब देखो दोनों ऑफकोर्स ये तो एक इमोशनल डिसीजन है कि कजिन बार बार नहीं आएगा, और ये भी है कि क्लास छूट जाएगी वो भी अच्छा नहीं है, तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें ऑफकोर्स एक नंबर देना पड़ेगा। क्या हो गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कई बार हम ट्रेन में जाते हैं, हम नहीं मतलब जनरली तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग ट्रेन में टिकट नहीं लेते हैं, ठीक, और जनरली पकड़े भी नहीं जाते हैं, जनरल डब्बे में कोई चेक तो करता नहीं है, ठीक। तो अब बात आ रही है कि टिकट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो क्या है कि यार टिकट लेने की वैल्यू कितनी है, मान लो टिकट 100 रुपए का या 50 रुपए का मान लो, तो अगर तुमने टिकट खरीदा तो तुम्हारे कितने पैसे गए, 50 रुपए गए, ठीक। और अगर तुमने टिकट
नहीं खरीदा तो हम बोल सकते हैं ये मैं तो हमें डिसीजन लेना है कि टिकट खरीदा है कि नहीं है, प्योरली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, सही गलत पे नहीं, जेलेल नहीं होगी, मतलब सर मान लो कि फाइन लगेगा, तो टिकट खरीदना चाहिए या नहीं ये हमें डिसाइड करना है। तो हमने कहा कि अगर हम टिकट अगर नहीं खरीदते हैं तो क्या हुआ, हमारा ₹50 का फायदा हुआ। लेकिन अगर हम पकड़े गए, और मान लो बहुत हैवी फाइन रेलवे में कि अगर पकड़े गए तो ₹10 का फाइन है, ठीक है, अगर पकड़े गए तो टिकट नहीं खरीदने पे फायदा कितना हो सकता है 50 का, और नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी की बात भी है कि पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी है कितनी, ऐसा नहीं कभी नहीं लोग पकड़े जाते, बहुत कम होता है, कभी टीटी खड़ा रास्ते में पकड़ लिया। तो हमने फिर मैथमेटिक्स लगाई कि यार 100 में 1 बार चेकिंग हो रही होती है तो पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी 1/100, ना पकड़े जाने की 99/100। तो ₹50 का फायदा कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ हो रहा है, 99/100। ये नुकसान किस प्रोबेबिलिटी के साथ हो रहा है, नेट देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है, ये उनकी प्रोबेबिलिटी है, तो कितना हो गया ये बाई 100 है ना, यार टिकट 100 का कर लेते हैं, 99/100 - 10,000/100 पॉजिटिव आया है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब हमें टिकट लेना चाहिए कि अगर एक बार भी पकड़े गए तो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो इसमें इसीलिए हैवी फाइन होना चाहिए, अगर यहाँ फाइन ₹1,000 का होता तो ये बहुत पॉजिटिव आ जाती, तो फिर मैथमेटिकली किसी को टिकट नहीं खरीदना चाहिए, कभी पकड़े जाओगे तब भी बराबर नहीं होगा, इतना तुमने बचा लिया होगा, समझ गए बात। एक और एग्जाम्पल, चलो मैं इसलिए मैं ये कोई एग्जाम में नहीं आएगा, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि लाइफ टाइम तुम इसको यूज कर सकते हो। तो चलो मान लो ध्वनित को दो लोग पसंद थे क्लास में, अब ऑफ कोर्स दोनों से तो बात नहीं कर सकता, एक ही पे चांस लेना है, एक ऑफ कोर्स ज्यादा पसंद है और एक कम पसंद है, अब डिसीजन लेना है, क्योंकि एक से अगर बात कर ली तो दूसरे को मालूम चलेगा तो दोनों से बात नहीं हो सकती, ठीक है। मान लो ए और बी दोनों पसंद है, दोनों को लेकर नंबर देने पड़ेंगे, ए ज्यादा पसंद है और बी थोड़ा कम, तो मान लो ए के लिए 100 है और बी के लिए 80 है, ठीक है। लेकिन फिर इसने अपने आप को भी देखा तो नगर ए के हाँ करने के चांस बी से कम है, बी पे चांस ज्यादा है, ए पे चांस कम है, ठीक है। तो मान लो ए पे चांस बन रहा है कि यार लग रहा है कि 1/4 है प्रोबेबिलिटी हाँ करने की, और बी पे मे बी 1/2, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है कि अगर ये ए के पास गया तो क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि हाँ हो गई 1/4, तो कितना प्लस मिल गया 100, 1/4 × 100, और अगर ना हो गई 3/4, लॉस कितना हुआ 80, वहां चांस नहीं मिल पाया ना, -80 बोलना, क्या रिजल्ट आया -240 + 100 -140/4, निगेटिव पॉजिटिव नहीं, यहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम, समझ पाए एक्सपेक्टेशन कि अगर हाँ हो गई तो ये पॉजिटिव हो गया और अगर ना हो गई तो इतना निगेटिव हो गया, ठीक, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी का यहाँ तो अपॉर्चुनिटी ले ली, नहीं बनी बात नहीं बनी, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा चलेगी अपॉर्चुनिटी, ठीक। अगर दूसरे से बात की होती तो क्या होता, हाँ हो गई कितना पॉजिटिव मिला 80, ये हैप्पीनेस इंडेक्स है, मान लो कि इतना हैप्पी हो जाएगा उसमें, ज्यादा हैप्पी हो जाएगा, और अगर ना हो गई तो कितना नुकसान हो गया,
100 का किसका नेट रिजल्ट क्या बना, 80 माइनस 100 माइनस 20 बाई 2, तो ये है माइनस 10 और वो है माइनस 35 है शायद ना, ज्यादा नेगेटिव कौन सा हुआ, किससे बात करनी चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स ये तुम्हारा चेंज हो सकता है, हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा खुशी मिले यहाँ पर 300 के इक्वल, यहाँ 80 मिल रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये तुम्हें कुछ चीजें हैं जो खुद से एलोकेट करनी पड़ेंगी कि यार इस डिसीजन को मैं कितनी वैल्यू देता हूँ, ये नंबर तो तुम्हें खुद देना ही पड़ेगा और चांसेस भी अज्यूम करने पड़ेंगे, समझ गया ना बात को। कई बार होता है कि हम एवरेज काम करते रहे या एक रिस्क ले लें, कि रिस्क में क्या होता है कि अगर रिटर्न आया तो एकदम से 10 गुना हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर डूबा तो पूरा डूब जाएगा, या फिर तुम नॉर्मल अपना करते रहो थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, समझ गए। जैसे किसी ने FD करा ली, उसको मिल रहा 8% फिक्स, 100 का 108, 117 और बढ़ता गया। किसी ने कहा 100 रुपये मैं मार्केट में लगा रहा हूँ, कि होंगे तो सीधे 1000 हो जाएंगे और हो सकता है वो सड़क पे भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तुम एक्सपेक्टेशन का यूज कर सकते हो कि 100 के 1000 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट इनटू प्रोबेबिलिटी, फिर वो नॉर्मल जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है उससे बेटर आ रहा है तो रिस्क ले लो, नहीं आ रहा है तो मत लो। बाकी एट द एंड ये तो मैथ्स बोल रही, बाकी तो किस्मत का खेल भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो इन जनरल एक्सपेक्टेशन का यूज क्या है लाइफ में, वो बात कर रहे थे। चलो कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ। अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेल्स आउट हाउ अ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेवरल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, कुछ नहीं, मीन इज जितना लास्ट में वो सिग्मा पी आई एक्स आई, यही है। अरे वो कहाँ गया, पी आई एक्स आई प्रोबेबिलिटी और एक्स। अगला है वेरियंस, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। आगे नई चीज क्या, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए बाइनोमियल वेरिएट, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो पता ही है हमें, अच्छा तो पता ही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ई पॉइंट नया है कि अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा एक फॉर्मूला होता है एन इंटू पी। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये टेबल नहीं बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं और ये प्रैक्टिकल नहीं होता, तो हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी। दूसरा है वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन इंटू पी इंटू क्यू, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आ जाते हैं, बहुत इजी होते हैं, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। एक और स्पेशल केस दे रखा है कि अगर पी रिप्रेजेंट अ पर्सन्स चांस ऑफ सक्सेस इन एनी वेंचर, एम द सम ऑफ मनी विच ही विल रिसीव इन केस ऑफ सक्सेस, तो एक्सपेक्टेशन क्या है पी इंटू एम। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कोई इन्वेस्टमेंट की, मान लो कोई कॉल आया पार्थ को कि आप 100 रुपये लगा दीजिए, बहुत फायदा होगा, 10,000 का फायदा होगा, उसने प्रोबेबिलिटी देखी नहीं कि प्रोबेबिलिटी कितनी थी, मान लो 1/1000 थी, तो इसने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली, क्या आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू, विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/1000 और मनी जीत कितनी रहा है 10,000, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई 1000। लगाने कितने रुपए हैं 100, लगाने चाहिए नहीं, लगा सकते हैं, 100 के 1000 आ गए ना, समझ गए। लेकिन अगर बोलता नहीं 1000 के 10,000 हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आ रही है तो ये प्रॉफिटेबल डील है, अगर हमने प्रोबेबिलिटी सही सोचे कि 1 in 1000 चांस है हमारे जीतने के, ठीक है। लॉटरी वाला हो गया, यू कैन गेस कि हाँ अगर 500,000 लॉटरी है तो तुम्हारे चांस कितने हुए 1/5 लाख, तो विनिंग अमाउंट इंटू प्रोबेबिलिटी करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी, अगर वो टिकट प्राइस से ज्यादा है तो सही है खरीद लो टिकट, और अगर टिकट प्राइस से कम है तो मैथमेटिकली ये डील खराब है, बाकी तो सब किस्मत का खेल ही है, लेकिन मैथमेटिक्स क्या कहती है ये होना चाहिए हमेशा 0, ताकि टिकट खरीदने में किसी का प्रॉफिट या लॉस ना हो उस मोमेंट में। वो वैल्यू एक फेयर डील क्या होगी, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 0, जिसने खरीदा उसने भी कोई नुकसान नहीं किया, जिसने नहीं खरीदा उसने भी कोई नुकसान नहीं किया है, समझ गए बात। चलो आखिरी है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ये सिंपल है, जैसे अभी तक हम फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम देखते थे, कई बार वो डायग्राम में होगा, हो सकता है लेंथ में बात कर रहा हो कि यार एक लाइन है 20 सेंटीमीटर की, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी कि रैंडमली पॉइंट चूज किया जाएगा, वो
ये नंबर लाइन है मान लो 6 और 8 के बीच में होगा, तो हमारे लिए फेवरेबल रीजन ये हो गया 2/टोटल 20। समझ गए बात? एक सर्कल है या एक क्या बोलते हैं उसको, डार्ट पे क्या खेलते हैं वो, अरे वो जो मारते हैं डार्ट बोर्ड पे क्या उसको बोलते क्या है, हाँ जिसको मारते हैं उसको क्या बोलते हैं, डार्ट। अच्छा हाँ डार्ट है, ठीक है डार्ट बोर्ड है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं मारूंगा तो यहाँ पर जाके हिट करेगा, तो क्या हो गया, और ऑफ कोर्स ये आइडियली माना गया है कि सर्कल के अंदर ही आएगा, नहीं तो कोई कहेगा बाहर मार दोगे उससे क्या होगा, नहीं जाएगा मेरे सर्कल के अंदर। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये फेवरेबल केसेस हैं, तो एरिया ऑफ दिस सर्कल अपॉन टोटल एरिया। तो कई बार प्रोबेबिलिटी पूछेगा जहां पर ज्योमेट्री लगेगी उसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड दैट्स इट, यहां से हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। बहुत ज्यादा हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है, हाँ 3-4 टॉपिक पढ़े जो कि 12th में भी काम आने, मोस्टली 12th लेवल का ही है, सिलेबस वाइज हम बात करें। और इस चैप्टर में 3-4 चैप्टर यूज होते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी अच्छी कर लेता है उसके 3-4 चैप्टर एक साथ अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए कई लोगों की प्रोबेबिलिटी बहुत वीक होती है क्योंकि उन्होंने वो सब परम्यूटेशन अच्छे से नहीं किया होता है, सेट थ्योरी अच्छे से नहीं की होती है, और फिर कहते हैं प्रोबेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। चलो तो अभी टाइम है अपने पास, है पूरा टाइम है, क्या कर लेंगे अभी पार्ट टू तो अभी कर लेंगे, और होमवर्क में पार्ट 3 बहुत कम है। वैसे एग्जाम चल रहे हैं क्या? चलो ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लेंगे, ठीक ठीक है। अभी टाइम मिलेगा तो आज ही डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो अगली क्लास में कर लेंगे। करना शुरू कर दो, ब्रेक लेना हो तो ले सकते हो।